बजा दो बजा दो। हारमोनियम थोड़ा सा और बढ़ा देना भैया। उपस्थित सभी महानुभाव श्री सीताराम जी की चंडा में नतमस्तक होते हुए, जैसा कि आदेश आया है 18 पुराणों के अंतर्गत किसी भी एक पुराण से आप कथा सुन रहे हैं, अर्थात बंधन मुक्त हैं। जहां से इच्छा हो वहां से मंडलों को गाने का प्रयास हुआ है। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए समिति के आदेश को मन मस्तिष्क में बिठाते हुए आप कथा भगवान भोलेनाथ की महाशिव पुराण के अंतर्गत सुनने जा रहे हैं। क्या कहना है? पार लगाने के लिए कई प्रकार से कई बार सृष्टि को बचाया है। उन देवों के देव महादेव देव अनादि देव में भी सबसे बड़े देवता जो कहे हैं भगवान भोलेनाथ, जिनकी कथा परंपार है। ये बात रुद्र संहिता तृतीय खंड से अध्याय 25 से ये कथा सुनने जा रहे हैं। कथा स्पष्ट रूप से है माता पार्वती की प्रेम परीक्षा। जब भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन होते हैं, सारे सप्तऋषि आज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ सारे सप्तऋषियों को यह आदेश देते हैं कि माता पार्वती जो मेरे ध्यान में मग्न हैं, जो माता पार्वती मुझे अपना देवता बनाना चाहती है, मुझे पति के रूप में पाना चाहती है, सारे सप्त ऋषियों को इस बात का आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ और जाकर के माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेकर के आओ कि माता पार्वती हमसे सच्चा प्रेम करती है या नहीं। जितने भी बात हो मेरे अंदर, जितने भी झूठ कह सको, जितने भी खोटी बातें कह सको, जितने भी दुराचार हो सके, माता पार्वती के समक्ष जाकर के सप्त ऋषियों को ये बात समझा दी जाती है कि माता पार्वती को सारे दुराचार मेरे गिना देना, समझा देना। यही कथा आप सुनेंगे। सप्तऋषि कहने लगे सुन लो गोरा बा। सारे सप्तऋषि आज माता पार्वती के समक्ष जाकर के खड़े हुए हैं, माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए अड़े हुए हैं। क्या होता है? सप्तऋषि महाराज माता पार्वती से कहने लगते हैं, इतने बड़े राज घराने की कन्या होने के पश्चात इतने बड़े महलों को छोड़कर के इस वीराने में तुम अकेली क्या कर रही हो? ओह, वो भूतों के संग रहता है जिनके प्यार में तुम मग्न हो। आज माता पार्वती से क्या बात कहते हैं? अरे क्यों करती हो साधना,
अरे तुम घर से दूर रहे। कहा पार्वती क्यों करती हो साधना, तुम घर से दूर रहे। सारे महलों को छोड़ने के पश्चात तुम सोगरधानी के पीछे लग गई हो, जो न जाने जिसका अता पता ही नहीं है। आज सप्तऋषि सारी झूठी झूठी बातें माता पार्वती को भटकाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे बिराने में किसी को जपा तुझको ऐसा है प्यार, हमें को बता दे अब लोग मारे क्या रोके तुझको ऐसा है प्यार, हमें को बता दे अब लोग मारे क्या रोके तुझको ऐसा है प्यार। आगे देखिए सारे सप्तऋषि माता गौरा से ये राज पूछ रहे क्या होता है। हो गोरा राज तो बताओ, कहा गोरा हो गोरा बात तो बताओ, तप का कारण है क्या, क्यों तू बन में पड़ी, क्यों तू बन में पड़ी योगी योग की तरह, क्यों तू बन में पड़ी योगी योग की तरह, क्यों तू बन में पड़ी योगी योग की तरह, क्यों तू बन में पड़ी योगी योग की तरह। तुमने जिसके लिए सारी दुनिया को छोड़ा है वो भूतों संग रहता है, बाकम भर अपने तन पर ओढ़े हुए रहता है, भूतों सा लिबास है, ना जाने घर का ठिकाना ना परिवार का ठिकाना है, क्या होता है। अरे महलों को छोड़ा छोड़ी सारी खुशियां, महलों को छोड़ा छोड़ी सारी खुशियां, किसे ने बताई तुम्हें ऐसी बात, माँ की दुलारी पिता की है प्यारी, ओ ओ ओ, माँ की दुलारी पिता की है प्यारी, किसने बदल दी मती ये तुम्हारी, किसने बदल दी मती ये तुम्हारी।
सारे सप्त ऋषि आज कहने लगते हैं तो माता गौरा अपने दोनों हाथ जोड़कर के सप्त ऋषियों के समक्ष जाकर के खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु अगर आप मुझे ये सब बातें पहले बताते तो शायद मैं उनके मन में कुछ अपने मन में कुछ विचार करती, लेकिन अब तो मैंने उन्हें सब कुछ मान लिया है, उनको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बोते करती हूँ मेरे भोलेनाथ का, स्वामी उनको मान लिया मैंने जीवन साथी का। क्या होता है, अरे साथी मैंने अरे चुन तो लिया। और आज सारे सप्त ऋषि, अरे साथी मैंने श्री कृष्ण भजन मंडल, श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला मंच के समीप आ जाए, उनको मैंने सब कुछ मान लिया है, वो ही मेरे पति परमेश्वर बनेंगे, चाहे मुझ पर कितनी विपदा जाए, चाहे उनके अंदर कुछ भी बातें हो, मुझे वो सब बातें स्वीकार नहीं है। उन सब बातों को छोड़ करके माता पार्वती सारे सप्त ऋषियों को ये जवाब देती है, अरे साथी मैंने चुन तो लिया, अरे कर लो तुम चाहे जतन, बनेंगे वो ही पति खाई कसम। ओहो कहा बनेंगे वो ही पति खाई कसम, बनेंगे वो ही पति खाई कसम, बनेंगे वो ही पति खाई कसम, बनेंगे वो ही पति खाई कसम। अरे साथी मैंने बनेंगे वो ही पति खाई कसम, मेरा तन मन बस गया, मेरा तन मन बस गया, मेरा तन मन बस गया। और कहा अरे अभी तो पिया बनेंगे वही, अभी तो पिया बनेंगे वही, अभी तो पिया बनेंगे वही, बनेंगे वही,